बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैयद जिया हुसैन। एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 जनाब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है और अब इस टूर्नामेंट में अपसेट भी होने लगे हैं और हैरानकुन नतीजे सामने आने लगे हैं। और संडे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस संडे को जनाब फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इंग्लैंड की टीम को आउट क्लास किया अफगानिस्तान की टीम ने, और जॉस बटलर की क्यादत में खेलने वाली टीम इंग्लैंड को हैरानकुन नाकामी का सामना करना पड़ा, अपसेट हुआ। और अब हुआ कुछ इस तरह है कि जनाब ठीक दो दिन के बाद जी अब एक और अपसेट हुआ है, और इस बार जनाब धर्मशाला, और धर्मशाला में नेदरलैंड की टीम जिसने एडिलेड में आईसीसी वर्ल्ड T20 में लास्ट ईयर शिकस्त से दोचार किया था जनूबी अफ्रीका की टीम को और पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में जाने के दरवाजे खोल दिए थे, इस बार उस टीम ने वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जनाब शिकस्त से दोचार कर दिया है बबूमा की टीम को। और ये था जनाब वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 15, और इस मैच में टॉस जनूबी अफ्रीका के कप्तान जीते, पहले फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि नहीं जी नेदरलैंड की टीम कुछ कर नहीं पाएगी इस मैच में, लेकिन जब उन्होंने अपनी इनिंग को कंप्लीट किया तो 43 ओवर का ये मैच था और यहाँ पर उन्होंने 245 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, उनके 8 खिलाड़ी आउट थे। एक मरहले पर सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि जनाब 82/5 थे और उसके बाद नेदरलैंड के 7 खिलाड़ी 140 रन पर आउट हो चुके थे, और यहाँ पर कप्तान इनिंग खेल लिए 70 रन की स्कॉट एडवर्ड्स ने 69 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्के के साथ, और वो अपनी टीम को लेकर गए 245 तक। और जनूबी अफ्रीका की वो टीम जिसने फिरोजशाह कोटला में श्रीलंका के खिलाफ 428 इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जहाँ पर जनाब क्वांटन डी कॉक, वेंडर डूसन और एडम माक्रम सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब हुए थे, वो टीम जनाब 4.83 के रन औसत से 207 रन बनाकर आउट हो गई और मैच 38 रन से वो हार गए। और ये इस टूर्नामेंट का न सिर्फ अपसेट हुआ है बल्कि अब इस टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल अगर मैं ये कहूँ कि ओपन हो गया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ये वही जनूबी अफ्रीका की टीम है जिसने फिरोजशाह कोटला दिल्ली में सिर्फ रिकॉर्ड कामयाबी हासिल नहीं की, रिकॉर्ड रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ, बल्कि इस जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को भी इस टूर्नामेंट में ठिकाने लगाया है। लेकिन जनूबी अफ्रीका की एक छोटी टीम के हाथों शिकस्त के बाद अब इस टूर्नामेंट में सवाल ये उभर रहा है कि क्या जनूबी अफ्रीका की टीम आखिरी 4 टीमों में होगी या नहीं होगी। अभी टूर्नामेंट आगे चलेगा, अभी टूर्नामेंट के सिर्फ 15 मैचेज हुए हैं और टूर्नामेंट में और भी ऐसे नतीजे आएंगे जो हैरान करेंगे, जो बड़ी टीमों को परेशान करेंगे, पॉइंट टेबल ऊपर नीचे होगा। और मैं भी अपनी इस बात पर कायम हूँ कि मैं सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को खेलता हुआ देख रहा हूँ। कम से कम जनूबी अफ्रीका की नाकामी के बाद अब इस बात को तकवीत मिली है। जनूबी अफ्रीका के 2 इंपॉर्टेंट मैच हैं, एक जनाब इंग्लैंड के साथ उनका मैच है वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच खेल चुके हैं, और एक उनका न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा। और अगर इन मैचों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हाथों जनूबी अफ्रीका की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा तो फिर ये टूर्नामेंट रन रेट के अतबार से बड़ा अहमियत का हामिल बन जाएगा, और देखना ये होगा कि ये टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ता है। लेट्स कम टू द पॉइंट, टीम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान जनाब उम्मीदों, तवक्कुआत और नए ख्वाब लेकर पहुंची है बेंगलुरु और चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, जहाँ 96 क्वार्टर फाइनल में टीम पाकिस्तान को रवायती हरी भारत के हाथों शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। और 2005 में ये वही चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ यूनुस खान ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, और इंजमामुल हक की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने मेज़बान भारत को आखिरी टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 करके सीरीज को 1-1 ड्रॉ किया था। तो पाकिस्तान टीम के हवाले से कैंप में कुछ जनाब तनाव की कैफियत नहीं है, पाकिस्तान टीम के कैंप में कुछ जनाब फिटनेस मसाइल भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान टीम के कैंप में कुछ उदासी इस एतबार से है कि पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो मौसम के रहमो करम पर चले गए हैं, और पहले पाकिस्तान टीम ने जनाब काफ़ी दिन क़याम किया हैदराबाद दक्कन में, बड़ी खातिर मदारत हुई टीम पाकिस्तान की
फिर उसके बाद टीम पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद आई, वहाँ टीम पाकिस्तान का क्याम ज़्यादा दिन नहीं था, अहमदाबाद से फ्लाई करके टीम आई है अब बेंगलुरु। टीम पाकिस्तान का भारत में जनाब ये तीसरा पड़ाव है और बेंगलुरु का मौसम जो है वो कुछ हमारे खिलाड़ियों को डिस्टर्ब कर रहा है। और जो इत्तलात हम तक पहुंची है, पाकिस्तान टीम ने जो पहले मुकम्मल प्रैक्टिस सेशन किया है, इब्तदा में जिस प्रैक्टिस सेशन के हवाले से टीम पाकिस्तान थोड़ा कंसर्न थी, और शायद उसकी बुनियादी वजह यही थी कि टीम मैनेजमेंट ने शायद ये डिसाइड किया था कि जरा फुल प्रैक्टिस सेशन करेंगे कुछ खिलाड़ियों के जो इन्फेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ कुछ मौसम के बदलाव के साथ तबीयत में जो उतार चढ़ाव है उसको एक दिन और रेस्ट दे देते हैं। फिर पता नहीं क्या सोच आई, टीम पाकिस्तान प्रैक्टिस करने आई, बट पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद रिजवान नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, फिर ट्रैवल रिजर्व में हारिस हैं, और उनके अलावा जनाब सलमान अली आगा जो कि टूर्नामेंट से पहले फाइनल लाइनअप में खेलने के मजबूत उम्मीदवार थे, वो भी पहले प्रैक्टिस सेशन में दिखाई नहीं दिए, और जो ट्रैवल रिजर्व में हमारे एक और फास्ट बॉलर हैं वो जनाब इस प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हम सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि जनाब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मुजाहरा नहीं किया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में क्राउड ने, और उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था, वो नहीं रहे। पाकिस्तान के शायकीन को भारत का वीज़ा नहीं मिला, और पाकिस्तान के शायकीन से जो है वो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कुछ महरूम रहा, और भारत के जो शायकीन थे उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मुजाहरा नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट किया। लेकिन जरा बेंगलुरु में जो टीम पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था वहाँ पर लोकल बॉयस बॉल डालने के लिए आए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बॉलिंग की, बल्कि उनसे उन्होंने टिप्स भी ली, उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, उनके साथ जनाब उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गियर जो है वो भी लेकर गए, और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में टीम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, टीम पाकिस्तान को देखने वाले, टीम पाकिस्तान के जाने वाले बेंगलुरु में आई थिंक मुख्तलिफ शहरों से आए, और जिसको मौका मिल गया तस्वीर खिंचाने का, जिसको पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ एक क्लिक करने का मौका मिल गया वो बहुत खुश होगा, क्योंकि अपने मैदान पर अपने मुल्क में भारत के शायकीन ने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो तस्वीर ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान टीम जनाब दूसरी जानब तैयारी कर रही है बड़े मार्के के लिए, जो जुम्मे को टीम पाकिस्तान का 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी को रजिस्टर्ड किया है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब सफ़र कर रही है लखनऊ से, लखनऊ से वो पहुँचेंगे बेंगलुरु, और बेंगलुरु में वो टीम पाकिस्तान का जुम्मे वाले दिन मुकाबला करेंगे। तो जैसे जैसे दिन करीब आएंगे दोनों टीमों पर सबकी निगाह होगी, और इस टूर्नामेंट में ये ऑफिशियल मैच होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वार्म अप मैच दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेल चुकी हैं। वार्म अप मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट थी, वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी, बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी, बट इस टूर्नामेंट के इब्तदाई दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कठिन और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पहले उनको जनाब चेन्नई में रिवायती हरीफ पाकिस्तान की भारत की टीम के साथ जो कि टूर्नामेंट की मेज़बान है, एक फेवरेट टीम है, उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम को मसल कर रख दिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो स्पिन ट्रैक के जाल में फंस गए। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम का अगला मुकाबला था जनाब जनूबी अफ्रीका के साथ, वही जनूबी अफ्रीका जिसने वर्ल्ड कप से पहले होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी, उन्होंने जनाब अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मजीद बेहतर बनाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को उन्होंने शिकस्त दी। दो नाकामियों के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को लखनऊ में पहला सुख का सांस मिला, जहां उन्होंने श्रीलंका को हराया, और श्रीलंका को हराने के बाद अब वो पाकिस्तान से मैच खेलने आ रहे हैं। दोनों टीमों का ये चौथा मैच होगा, पाकिस्तान टीम 3 मैचों में 2 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर कदरे बेहतर ऑस्ट्रेलिया से जो है वो हमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पैक कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिन्होंने अपना लास्ट मैच जीता है, टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी को रजिस्टर्ड कराया है, 2 डिफीट उनके खाते में दर्ज हैं। तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि कामयाबी हासिल करें, दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जनाब इस बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दी जाए। तो पाकिस्तान टीम जनाब भारत से शिकस्त के बाद तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराकर एक बार फिर अपने हौसलों को जनाब जमा करना चाहती है, एक बार फिर इस टूर्नामेंट में टीमों को पैगाम देना चाहती है कि जो अहमदाबाद में टीम पाकिस्तान का दिन था वो बुरा दिन था, वो गुजर गया है, लेकिन टीम पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो टूर्नामेंट में अब भी पुरउम्मीद हैं, और टीम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, टीम पाकिस्तान को
हल्का नहीं लेना चाहिए। तो पाकिस्तान टीम की तैयारियों और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जनाब आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।